प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक नए बैच की अनाउंसमेंट के लिए, और वो बैच है प्री बीएड और प्री बीएसटीसी। जो भी ग्रेजुएशन कर चुके बच्चे, जो फाइनल ईयर में जो बच्चे हैं, जो आगे बीएड करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो पीटीईटी का एग्जाम है या प्री बीएड का एग्जाम है वो अति आवश्यक है। और जो 12वीं के बाद बच्चे बीएसटीसी करना चाहते हैं, उनके लिए भी प्री बीएसटीसी का एग्जाम अति आवश्यक है। तो दोनों एग्जाम के लिए आश्रम परिवार के द्वारा एक बैच प्रारंभ किया जा रहा है, और वही बैच कब प्रारंभ किया जा रहा है इसकी सूचना देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और ये जो बैच है 11 अप्रैल 2023 मंगलवार से प्रारंभ किया जा रहा है। कब से? 11 अप्रैल 2023 से प्रारंभ किया जा रहा है, और इस बैच की समापन तिथि रहेगी एग्जाम तक। आपका जब एग्जाम होगा उस समय तक ये बैच चलेगा। और परीक्षा की संभावित तिथि क्या है? तो पीटीटी के लिए मैं आपको बता दूं, उसके एग्जाम फॉर्म की अंतिम तिथि 15 अप्रैल है, और इन्होंने परीक्षा की तिथि भी दे दी है विज्ञप्ति के अंदर, तो वो है 21 मई। और बीएसटीसी के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है, और जल्द ही वो प्रारंभ होगी। आश्रम परिवार की कार्य योजना क्या रहेगी? तो आश्रम परिवार के द्वारा टेस्ट व कक्षा दोनों आयोजित की जाती है। टेस्ट में अपने देखें तो दोनों मोड में है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और कक्षाएं भी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलेगी। लेकिन ऑनलाइन में आपको रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेगी, और ऑफलाइन में कक्षा कक्ष में जो शिक्षण है वो करवाया जाएगा। अब आश्रम परिवार के द्वारा शेड्यूल बनाया जाता है, और उस शेड्यूल में क्या रहेगा? तो प्रत्येक 10 दिन में 4 छोटे पेपर रहेंगे जो शेड्यूल दिया जाएगा आपको, और एक शेड्यूल्ड बड़ा पेपर होगा। और संपूर्ण पाठ्यक्रम के जब आपका एग्जाम नजदीक होगा उस समय संपूर्ण पाठ्यक्रम के 2 बड़े पेपर भी आयोजित किए जाएंगे। आगे इस बैच में प्रवेश लेने की जो प्रक्रिया है वो आपको बताएंगे प्रबंधक श्री शार्दुल कौशिक जी। धन्यवाद। वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया, आइए जानते हैं प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाही गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कन्फर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कन्फर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए, और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा, जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से परचेज कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी यदि किसी कारणवश सूरतगढ़ आकर तैयारी करने में अक्षम है तो वह ऑनलाइन बैच परचेज करें, यदि सूरतगढ़ आकर तैयारी करने का इच्छुक है तो ऑफलाइन बैच परचेज करें। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल, रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे वीडियोस की। विद्यार्थियों, आश्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को लगभग सभी बैचेस में रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो कि इसी कोर्स के साथ में रहेंगे। आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर वीडियो सेक्शन पर क्लिक करें, आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप रिकॉर्ड वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे टेस्ट। विद्यार्थियों, टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेस्ट में क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यहां एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम।
आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे। तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का उपयोग, प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाईं ओर मेन्यू बार पर क्लिक करें, सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। अब बात करेंगे संपर्क सूत्र यानी हेल्पलाइन की। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना लेनी है तो दिए गए नंबर 0150-09-322-300, 75-970-20-996, 75-970-20-994 और 74-268-37-287 पर कार्यालय समय 9 से 6 बजे के मध्य, प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे के मध्य आप फोन कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या को टाइप करके 97-72-99-000-004 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।